नमस्कार, UP24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा कुलश्रेष्ठ। फिरोजाबाद में चारक के फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा मंगल पांडे का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें मंगल पांडे की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को भी याद किया। बताया कि मंगल पांडे ने देश आजादी के लिए सबसे पहले बिगुल बजाया था और अंग्रेजों को मौत के घाट भी उतारा था, इसलिए हम उन्हें सतत नमन करते हैं। फिरोजाबाद में आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ चाणक्य के फाउंडेशन के बैनर तले मनाया गया। सुहाग नगर फिरोजाबाद में मंगल पांडे हर युवा के आदर्श हैं तथा उनके विचारों को और उनके संघर्ष की कहानी को बैठक के माध्यम से चाणक्य के फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को समझाया और बताया कि आज़ादी के दीवानों के सम्मान में हमेशा खड़े रहे, क्योंकि यही थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं। आपको बता दें, मंगल पांडे की मूर्ति नगर निगम में लंबे समय से धूल फांक रही थी, लेकिन अब तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यह जहमत नहीं उठाई गई कि क्रांतिकारी के सम्मान की रक्षा करते हुए इस मूर्ति की स्थापना कहीं कराई जाए। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। मनाया गया आज चाणक्य फाउंडेशन की तरफ से हमारे मंगल पांडे जी, जो जिन्होंने अपना देश के लिए बलिदान दे दिया, जिन्होंने आज़ादी भी अंग्रेजों के छक्के भी छुड़ा दिए और कास्तूर भी जो चर्बी थी उसको भी उसका भी विरोध किया था उन्होंने, वो विरोध करते करते शहीद हो गए, इसलिए हमारे चाणक्य ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आज देश के जितने भी बलिदानी हैं उन सबको हम सत सत नमन करते हैं और उनके साथ ही मंगल पांडे जी को सत सत नमन करते हैं। एक सवाल है मेरा, ये मंगल पांडे की प्रतिमा जो है नगर निगम में रखी गई है, हर वर्ष की बात ही आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो प्रतिमा अभी वहाँ धूल फांक रही है, उसके बारे में कहाँ लगेगी, क्या लगेगी कुछ? देखिए, नगर निगम की जो बात, मैं इसे बचना चाह रही थी मैंने, क्योंकि मंगल पांडे की मूर्ति की मेरे भी संज्ञान में है, लेकिन हमारे यहाँ की जो मेयर है इस समय की जो मेयर है, पहली बात तो ये है कि हमारा बहुमत नहीं है नगर निगम में। दूसरी बात ये है कि हम चार पांच ही मंगल पांडे, यानी कि हम अपने समाज की बात करते हैं। जब आपने मेरे ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, हम चार पांच जने हैं, तीन जने हैं ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण समाज बंधुओं ने परशुराम गेट का भी उन्होंने वो किया और तीन बार उसका टेंडर भी निकल गया है। तो आप ये सोच लो कि वो तो मंगल पांडे थे जो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, जब एक जो तीन बार टेंडर निकल गया, इससे पूछ लो कि नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है। अगर हम मंगल मूर्ति पांडे के लिए पहले भी कह चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं, वो कहते रहे, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं वो साथ में हमारी मेयर भी हैं, वो इतने ढीठ हो गए हैं, उन पर अभी बरसात भी हुई थी, उसकी सारी कलई घुल चुकी है, कितना कमीशनर आप सबकी जानकारी में है,